फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खाते रहो बनाते रहो। आज हम आपके लिए मिठरी की रेसिपी लाए हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है, ये रहा 1/2 कप, और अब 1 कप के करीब हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 1/4 कप हमने सूजी ले लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ले लिया है जिसे क्रश करके डालेंगे, ग्रेट। सॉल्ट डाल देंगे, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ले लिया है जिसे क्रश करके डालेंगे ताकि उसका स्वाद बना रहे, इस तरीके से। 1 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी लिया है, उसे भी हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे और उसका जो लकड़ियाँ हैं उसे फेंक देंगे। 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें, ऑयल डाल देते हैं मोयम के लिए। ऑयल डाल दिया है, अच्छे से हाथों से मिला लीजिए। हाथों को हम पहले ही अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से मिला दें। और अब यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालूंगी जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हमारे मठरी में। आप ज़रूर डालिए, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। ये देखिए, जब ऐसा हो जाए फोल्डिंग, तब आप इसमें पानी डाल के सानें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे और आटा हमें थोड़ा कड़क सानना है। ये देखिए, हमें इसे कड़क गुना हुआ है, इस तरीके से ये हो गए हैं। तब मैं इसे ढक के रेस्ट के लिए 1/2 घंटे तक रख दूँगी। इस तरीके से 1/2 घंटे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, ये हो गया है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। हमने थोड़ा सा बटर ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, अच्छे से फेंट के हम रख लेंगे। लोई बना लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम बॉल बना के उसकी लोई कर लेंगे। सारी लोइयों को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे बना के, ये देखिए। तो चलिए हम बेल लेते हैं, इस तरीके से हम इसका शीट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बड़ा सा बेल लिया है शीट इसका, और बेलने के बाद मैं इसे साइड में रख दूंगी और दूसरे शीट को भी इसी तरीके से बेल लूंगी। ये देखिए, इसे भी मैंने बना लिया है। तो अब हमने जो बटर लिया था वो इस पे रब कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए। घी या बटर आप जो भी लेंगे, दूसरी शीट को हमें इसके ऊपर चिपका देना है हाथों की हेल्प से। ये देखिए, थोड़ा सा दबा दीजिए हल्के हाथों से, और इस पर भी हमें घी लगाना है। मैंने स्प्रेड कर दिया है बटर को इस पर भी, इस तरीके से। और अब हमें नीचे की साइड से इसे थोड़ा सा खींचते हुए मोड़ना है ताकि इसमें एयर ना रहे, अच्छे से मोड़ ले, टाइट मोड़ना है हमें चारों तरफ से। ये देखिए, मोड़ने के बाद इसे ऐसे कर दीजिए, और अब चाकू की हेल्प से आप इसे कट कर दीजिए ऐसे ऐसे, और एक एक लेके आप इस तरीके से इसे बेल दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे लेयर्स आए हुए हैं। ऐसे ऐसे हम सारे जो हमारे लोई कटी हुई थी हम उसको बेल देंगे। और ये देखिए, हमने बेल लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेयर्स आया, ज़्यादा मोटा पतला नहीं किया हमने। ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, अब हम इसमें एक एक करके सारी जो हमारी मठरी है उसको हम इसमें तल लेंगे, छान लेते हैं, डीप फ्राई करना है हमें। सभी को डाल के इस तरीके से पलट पलट के हम अच्छे कलर आने तक, ब्राउनिश होने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए, ब्राउनिश हो गए हैं, तो अब हम इसे छान के निकाल लेंगे बाहर। बहुत ही क्रंची बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए, हमने इसे सर्व कर लिया है। आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे चाय या फिर ऐसे ही स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये जो मठरी है वो कैसी बनी है। और हमारी तरह आप भी कहिए, खाते रहो बनाते रहो। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।